2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव एक बार फिर से साइकिल यात्रा पर निकल पड़े। बता दें, साइकिल यात्रा में अखिलेश यादव के एक सिपाही यानी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर उनकी जान बचाई नहीं गई और बाद में उनकी मौत हो गई। बता दें कि अखिलेश यादव ने कल लखनऊ में समाजवादी पीडीए यात्रा की शुरुआत की। यात्रा सोमवार को लखनऊ में शुरू होकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। बता दें कि कल अखिलेश यादव के पीडीए साइकिल यात्रा के दौरान सपा नेता रवि भूषण राजन यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सपा नेता ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया। बता दें कि रवि भूषण राजन यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। इससे पहले केकेसी के पूर्व छात्र अध्यक्ष भी रहे हैं। वहीं रवि भूषण की मौत हार्ट अटैक के आने की वजह से हुई है।